उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में गुंडागर्दी और शरपसंदी, चार मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर कस्बे के एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बुरखे में मलबूस एक लड़की और एक उम्र रसीदा खातून मोटरसाइकिल पर नौजवान के पीछे बैठी हुई है। दरअसल होली खेलने वाले कुछ नौजवान इन लोगों को रास्ते में रोक रहे हैं और जबरदस्ती गीले रंग इन पर डालते हुए नजर आए। नौजवान के चेहरे पर पहले रंग जबरदस्ती लगाया जाता है, उसके बाद लड़की और उम्र रसीदा खातून पर गीला रंग फेंका जाता है। एक नौजवान उम्र रसीदा खातून के गालों पर भी रंग डाल रहा है। खानदान की मुखालिफत के बावजूद ये जबरदस्ती जारी रहते हैं। बिजनौर पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं। भैया 71 साल पुराना है, तुम्हारा पता मेन बाजार में होगा तो वही होगा। आज की होली है क्या धाम की? आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग, एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पर जा रही थी, उसको जबरन रोक के उसको हरास कर रहे हैं, उस पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिजनौर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। CO धामपुर को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित फैमिली से व्यक्तिगत बात कर उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कराएं तथा अपने पर्सनल सुपरविजन में समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न कराएं। बिजनौर पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि होली एक पवित्र त्यौहार है, इस त्यौहार के अवसर पर किसी को भी परेशान न करें, हरास न करें तथा किसी पर भी जबरन रंग न डालें। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध बिजनौर पुलिस कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू।